जी तो गाइस, जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम लोग ये मुकम्मल सीख रहे हैं कि आप लोग अकवाले जरिए वाली वीडियोस बनाकर महीने का 40-50 हज़ार रुपया कैसे कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे आसानी के साथ। अगर आपके पास मोबाइल फोन है और आपके पास उसमें इंटरनेट मौजूद है, आप उन फजूल कामों में लगाने की बजाय जो काम मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप इस काम को कर लेते हैं तो आप लोग अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि आप लोग जो काइन मास्टर में वीडियो है वो एडिट कैसे करेंगे, मतलब उस मवाद को जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि आप अकवाले ज़री वाला मवाद कहाँ से लेंगे और कैसे उसको कॉपी करके अपने नोटपैड में रख लेंगे। उसके बाद आपको ये भी बताया कि उसकी वॉइस आपने कैसे अच्छी सी प्रॉपर जो कैची वॉइस है वो आपने कैसे करनी है, ये भी पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को देख लेना। आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि आप लोग जो मवाद आपने इकट्ठा किया है उस पर आपने वॉइस ओवर भी कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने एक प्रोफेशनल वीडियो कैसे क्रिएट करनी है अपने काइन मास्टर में। तो चलें आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग सीखते हैं कि आप प्रोफेशनल लुक लाइक अच्छे फॉन्ट के साथ वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे और उसको पब्लिश करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो अगर फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की अर्निंग रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ इस चैनल पर, और आपको 110% जो है वो प्रूफ के साथ वीडियोस मिलती हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर आपको मुकम्मल मेथड सिखाता हूँ। मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ। ये अकवाले ज़री वाली वीडियो क्रिएट करने के लिए मैं सहारा लूँगा काइन मास्टर का, क्योंकि काइन मास्टर में आपको बहुत बढ़िया फ्यूचर मिलते हैं, आपको इसमें बैकग्राउंड भी मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट भी अवेलेबल हैं क्योंकि इसकी जो अपडेट है अब बहुत अच्छी हो चुकी है। हम लोग काइन मास्टर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग रेशियो सेलेक्ट करेंगे 16:9। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे अपने मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद आप लोगों को फर्स्ट पे ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड का, आप लोगों ने यहाँ पर बैकग्राउंड चूज़ करना है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड है लेकिन मैं यहाँ पर चूज़ करने वाला हूँ ये वाला बैकग्राउंड, ठीक है। इसको ओके किया, उसके बाद जितनी लंबी मैंने वीडियो बनानी है यहाँ पर इसको उतना लंबा खींच के ले जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, चले मैं समझाने के लिए 1 मिनट तक बना लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है सबसे पहले, ताकि आपकी वीडियो प्रोफेशनल बने, अच्छी लुक लाइक बने, ताकि यूज़र जो बंदा आपकी वीडियो देख रहा है उसको ऐसा लगे यार हाँ वाकई वो इंटरेस्ट ले आपके वीडियो में, और साथ में आपकी वॉइस क्वालिटी अगर अच्छी हुई तो आप लोग बहुत जल्दी रैंक कर जाओगे। अब यहाँ पर ये जो चीज़ मैटर करती है वो है आपका बैकग्राउंड और जो आप वो टेक्स्ट लिखोगे उसका कलर, क्योंकि मैंने ब्लैक यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट किया तो मैं इस पर ओके करूँगा। उसके बाद यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट पर क्लिक करूँगा। ये जो साथ थोड़ा सा वाइट है इसकी मैं ब्राइटनेस क्या करूँगा यहाँ से कम कर दूँगा। अब ये फुली ब्लैक हो गया। इसके बाद हमारी बारी आती है टेक्स्ट की। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया कि आप लोगों ने जो टेक्स्ट लेना है उसको अपने मोबाइल के नोट पैड में पेस्ट कर लेना है, ताकि आप लोग आसानी के साथ फिर यहाँ से कॉपी करें। जितनी लंबी वीडियो है आप लोग उस हिसाब से वॉइस ओवर करके अपनी वीडियो क्रिएट कर ले। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये जो पहला मैंने लेता हूँ यहाँ से अकवाले ज़री, उसके बाद मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं अपने दोबारा काइन मास्टर में चला जाता हूँ। यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, उसके बाद टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके मैं पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ से देखें मैं हमेशा पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, देन मैं यहाँ पर ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब बारी आती है फॉन्ट की। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को ये समझ नहीं आती कि फॉन्ट कौन सा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो कैंची के साथ फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। उसके बाद आप लोगों को ऊपर मिलेगा एंड्रॉयड, उसके बाद नीचे मिलेगा लैटिन। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला फॉन्ट है ना देख लें, EDL माउंटेन, इस पर क्लिक करें। ये बेसिकली उर्दू फॉन्ट ही है। यहाँ पर देखिए अभी बहुत अच्छी लुक बन जाएगी। ओके किया, उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लिया ताकि ये और मज़ीद अच्छा लगे, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ पर जितनी मेरी वॉइस है उस हिसाब से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा
वॉइस कैसे ऐड करनी है, यहाँ पर आपने ऑडियो पर क्लिक करना है, जो भी आपने वॉइस की हो कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर कोई एक वॉइस चलो ले लेता हूँ, यहाँ से चलें बादशाह, चले ये ही ले ली। फ़र्ज़ करें कि आप लोगों ने ये वॉइस ले ली, उसके बाद यहाँ पर ये जो मेरा है ना, ये जो मैंने वॉइस बोला है, इसका सच नंगा घूम सकता है मगर झूठ को हमेशा कपड़े पहनने पड़ते हैं। यहाँ पर इसको इधर मैं करके उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा, नेक्स्ट जो है ना वो मैं चीज़ सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा फिर से जाके इसके ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद कैंची पर जाऊँगा, देन यहाँ पर ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, ठीक हो गया, ये ट्रिम हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा जाऊँगा अपने नोट पैड में और नेक्स्ट जो मैं चीज़ ऐड करने वाला हूँ वो है मेरा नेक्स्ट वाले सीरीज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इससे इसको कॉपी किया, उसके बाद अपने दोबारा काइन मास्टर में गया, देन यहाँ पर लेयर पर क्लिक किया, टेक्स्ट पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह आपने इसको अच्छे से बना लेना है और फॉन्ट ऐड करना है जो ADL का, वो मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए अब इसकी लुक बहुत अच्छी बन गई, तो यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब देखें, चले मैं इसकी वॉइस कम कर देता हूँ ताकि मुझे कॉपीराइट का इशू ना बने। देखिए ये फ़र्ज़ करें मेरा पहला जो है वो मुकम्मल हुआ, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे आपने ऐड करते जाना और वीडियो को मुकम्मल करके आप लोगों ने क्या करना है, देन यहाँ पर क्लिक करना है ये जो इधर बना हुआ है शेयर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग जो क्वालिटी है इस काइन मास्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो 720 मतलब 720p आप रखेंगे HD में, उसके बाद यहाँ पर इसको करेंगे एक्सपोर्ट, तो ये आपका जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट भी बहुत इजीली हो जाता है। देन आप लोग YouTube पर अपलोड करें, अच्छा सा आप उस वीडियो की SEO करें, फिर आप लोगों की वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी रैंक होगी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप लोगों ने टेक्स्ट को काइन मास्टर में एडिट करना है, देन आपने कैसे अपलोड करना है, ये आप अच्छे से